दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फ़्लिपकार्ट का मशीन मंगाया था। देखिए, ये फ़्लिपकार्ट स्मार्ट बॉय, ठीक है। तो इसका एक मशीन मंगाया था, कॉर्डलेस मशीन है, 20 वोल्ट का होता है। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी यूजर मैनुअल गाइड है, इसको भी देख के आप यहाँ से इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब नॉर्मली है, आप नॉर्मल तरीके से सारा कुछ इसमें दे रखा है, टॉर्क सिस्टम वगैरह, बैटरी। और बैटरी फ्रेंड्स, इसकी जो चार्जिंग हो जाती है आपकी, करीब आप मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे या 3.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसे तो कोई अभी जिस बॉक्स की हमने अनबॉक्सिंग की है उसमें आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ 3 चीज़ें निकली हैं, ठीक है। एक बैटरी निकली है, एक ड्रिल मशीन निकली है और एक अडेप्टर निकला है। तो सबसे पहले अडेप्टर का देख लेते हैं। तो अडेप्टर फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका 21.5, ठीक है, 1 एम्पियर का अडेप्टर है जो हमारी ये बैटरी चार्ज करेगा। और बैटरी है फ्रेंड्स लिथियम आयन बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है और 1300 mAh की बैटरी है, ठीक है। इसमें लिथियम आयन सेल होते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं अंदर लिथियम आयन सेल लगे हैं। और बैटरी दोस्तों काफ़ी गुड क्वालिटी की है। बाकी इसमें इंडिकेशन भी होते हैं 3 तरीके के, मतलब हाई, लो, मीडियम, ठीक है। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये इंडिकेशन करेगा कि आपका बैटरी अभी कितना चार्ज है, मतलब फुल है या मीडियम है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही इसमें चार्जिंग लगाओगे तो 2 तरीके के इंडिकेशन इसमें दे रखें। एक आपका सिग्नल देगा कि अभी चार्ज हो रहा है, और एक बाद में ये सिग्नल देगा कि ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज दोस्तों इसको ड्रिल मशीन को उसमें लगा कर देख लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं थोड़ी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इसके चक की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये कीलेस चक है, यहाँ पर बहुत आसानी से आप इस चक को निकाल भी सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप सही से देख पाएंगे तो एक एलन छेक होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से इसे, अगर आपके पास इस तरीके की बिट हैं, ठीक है, ये कोई स्क्रू बिट है, कोई की वाली बिट है, तो कुछ इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो स्क्रू बिट आते हैं छोटे छोटे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्टली इसमें लग जाएंगे, ठीक है, मैग्नेट अंदर होती है। और इस तरीके के फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में ड्रिल मशीन आए थे उसमें अंदर मैग्नेट नहीं दे रखा था, क्योंकि ये ड्रिल मशीन मैंने काफ़ी यूज कर रखी है, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांग होती है। फ्रेंड्स इस ड्रिल चक को भी लगाना बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से इसे पुश करना है, ठीक है। एक हाथ से ही आप इसे पुश भी कर सकते हो। ये सेम वैसे ही जुगाड़ है जैसे आपके घर में सिलेंडर जो होता है उसका, जो आप रेगुलेटर मतलब इस तरीके से पुश करोगे तो वो लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम वापस इस चक को ड्रिल मशीन में लगा देते हैं। तो टॉर्क आप यहाँ पर देखोगे, ये है आपका ड्रिल मोड, ठीक है, जहाँ पर ये दे रखा है ये ड्रिल मोड है। और इसमें दोस्तों वाइब्रेशन मोड दे नहीं रखा है जो आपका होता है हैमर मशीन में, तो हैमर मोड भी आप उसे बोलते हो वैसे तो हैमर मोड फ्रेंड्स इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है। तो ये ड्रिल मोड है, बाकी इसके ही साथ मिलेंगे इस ड्रिल मशीन में आपको 18 टॉर्क, 1 से लेकर 18 टॉर्क मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओगे तो मशीन की ताकत ही वैसी बढ़ती रहेगी। 400 से लेकर 1400 RPM है, ठीक है, और 10 mm का आपको इसमें ड्रिल चक मिलेगा। बाकी ये कॉर्डलेस ड्रिल इसका मॉडल है 1820SQ, ठीक है। और इसी के साथ मिलेंगी आपको 2 स्पीड यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आपको 1400 स्पीड मिलेंगी इसमें नंबर 2 में, और 400 स्पीड मिलेगी आपको नंबर 1 में। यहाँ पर 2 स्पीड, 2 तरीके की स्पीड दे रखी कि 400 से लेके 1400 तक आपको जो है। तो अब आ जाते हैं इसके फॉरवर्ड एंड रिवर्स सिस्टम पे, ठीक है। ये स्लाइडर यहाँ पर दे रखा है जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्लोवाइस एंड क्लोवाइस यहाँ से मशीन को वो करने के लिए, तो ये दोनों साइडों में होता है, मतलब आप इधर कर दोगे तो इधर हो जाएगा, इधर कर दोगे इधर। तो मान लिया अभी हमने इस साइड में करा तो ये क्लोवाइस घूमने लगा, और इस साइड दबा दोगे तो ये एंटी क्लोवाइस घूमने लगेगा, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर एक लाइट दे रखी है छोटी सी, जब आप मशीन का जो है मोड हल्का सा भी आप प्रेस करोगे तो इसका डायरेक्शन सीधा कहाँ जाएगा, जहाँ पे आपको होल करना है। देखिए मेरे हाथ से अनुमान लगा, अब इस लाइट का सीधा फोकस आपका यहाँ पे आना है, क्योंकि मशीन की डायरेक्शन ही कुछ इस तरीके से कर रखी है। तो इस स्लाइडर से आप क्लोवाइस एंटी क्लोवाइस मशीन को घुमा सकते हो।
बाकी पूरा एक्सलेटर मोड होता है दोस्तों इस मशीन में, ठीक है। कोई भी आप किसी भी तरीके की कॉर्डलेस मशीन अगर यूज करते हो तो उसमें एक एक्सलेटर मोड होता है, मतलब बहुत हल्का सा भी आप प्रेस करने पे मशीन को बहुत आसानी से घुमा सकते हो, ठीक है। स्लोली स्लोली घूमेगा वो। दोस्तों इस ड्रिल मशीन से जुड़ी बात मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि इसको मैंने 2200 रुपये में परचेज़ किया है, तो इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता है फ्रेंड्स कि किसी भी कंपनी में इतनी अच्छी ड्रिल मशीन अवेलेबल है, ठीक है। वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, फ्लिपकार्ट कंपनी का ये है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट बाय स्मार्ट बाय, ठीक है। तो मैं इस कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ कि इतने कम प्राइस में इससे अच्छा ड्रिल मशीन आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा इस प्राइस में। ड्रिल मशीन बहुत बहुत बढ़िया आते हैं, ब्लैक डेगर का आता है, डेवाल्ट का आता है, काफ़ी कंपनी का आता है, ठीक है। आप उन कंपनी को जो है बढ़िया होते हैं उनके ड्रिल मशीन, लेकिन उसके साथ साथ भी वो महंगे बहुत होते हैं, लेकिन इसको मैंने परचेस किया है सिर्फ 2200 रुपये में। और ये प्राइस दोस्तों घटता भी रहता है, बढ़ता भी रहता है समय के अनुसार। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देखो तो उस समय इसका प्राइस 3500 हो या 4000 हो, या ये भी हो सकता है 2700-2800 कितने का भी हो, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 2200 रुपये में ऑर्डर किया है। लेकिन आपको बस ये वेट करना है कि जैसे इसका प्राइस डाउन हो आप इसे ख़रीदें, ठीक है। तो अब इसके दोस्तों हम कर लेते हैं टेस्ट। मेरे पास जो सबसे बड़ा बेटे है मैं वही यूज करूंगा, वैसे तो ये करता, लेकिन ये इसमें किसी ने कारीगरी दिखा रखी है, ये निकल नहीं रहा है इसमें से, ठीक है। तो कोई नहीं, इसे साइड में रख देते हैं, अभी हम ये वीडियो यूज कर लेंगे इसमें, और लकड़ी में होल करके देखते हैं। काफ़ी मजबूत लकड़ी है दोस्तों ये, ठीक है। तो अभी हम इसमें होल करके देखते हैं। फ्रेंड्स बिट में मुझे ये वाला मोमेंट बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें होल कर कर देखते हैं, यहाँ पर इस ड्रिल से हम होल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्पीड है वो सिंगल है, मैं इसको डबल स्पीड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे गियर में मशीन को डाल देता हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर नीचे कुछ रख देते हैं जो कि प्रॉब्लम हो सकती है। एक बॉक्स है, इसको रख देते हैं, ठीक है। अब इसमें सुराख करते हैं। काफ़ी हैवी तरीके से मतलब इसने इसको होल किया है। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा लकड़ी नहीं है, मैं आपको इसकी एक बार लेंथ दिखाता हूँ कि करीब कितना चौड़ा है ये। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर 3 इंच पूरा मोटा लकड़ी है, ये देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 इंच मोटा लकड़ी है, ठीक है। तो 3 इंच में, 4 इंच में, 5 इंच में बहुत आसानी से मतलब आप इस ड्रिल मशीन से होल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और होल मारकर देखता हूँ एक बार में, क्योंकि अभी हमने रोक रोक के वहाँ पे किया था, क्योंकि इसके नीचे वो हमें रखना पड़ गया था, लेकिन इस बार एक ही बार में होल करके देखते हैं। ओ भाई भयंकर तरीके से होल कर रही है दोस्तों ये, तो कुछ समझ ही नहीं रही है। 3-4 इंच में तो दोस्तों ये ऐसे ही कर दे रही है होल, ठीक है। बाकी आप मेटल में इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर सकते हो, स्क्रू कुछ इसकी मदद से लगा के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है स्क्रू का, ठीक है। तो अभी इसका टॉर्क जो है दोस्तों हम कर लेते हैं 0, मतलब एक पे ही है ना, हाँ एक,
तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटे वाले स्क्रू से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिस्पांस रहेगा, जो पहला टॉर्क है, ठीक है, मशीन का जो पहला टॉर्क है उसके साथ इसका क्या रिस्पांस रहेगा। तो आप इसको यहाँ पर बैठाने की कोशिश करते हैं, और हाँ ये रुक भी जाता है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने इसको टॉर्क वन है फ्रेंड्स अभी मशीन पे, ठीक है, तो ये कसने के बाद में रुक जाएगा। अब इसके बाद हम ये लगाएंगे, ये वाला स्क्रू, ये करीब 1.25 इंच का स्क्रू है दोस्तों ये, ठीक है, तो अब इसको लगा कर देखेंगे। तो देखो किसी हार्ड चीज़ में जब आप कसोगे तो इसमें ये दिक्कत आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 4 टॉर्क पे आ जाओगे तो ये कस जाएगा। इसी के मतलब नट की वैल्यू के हिसाब से जो है आपको टॉर्क एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे पहले ये वाला छोटा वाला लगाएंगे, देखते हैं। तो इसकी हालत ख़राब हो गई, टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मैंने टॉर्क 8 कर दिया है, 8 में भी बात ना बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लगाएंगे बड़ा, ये कितने इंच का स्क्रू होगा दोस्तों, करीब 2 इंच का है फ्रेंड्स ये, ठीक है। अब इसको लगा कर देखते हैं, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, इसको बड़े वाले को लगा कर देखते हैं, ठीक है। ओ भाई, सिर्फ 8 टॉर्क में दोस्तों इसने इसको यहाँ पर लगा दिया, सिर्फ 8 टॉर्क है ये, ठीक है। अब आपकी मशीन की ड्यूरेबिलिटी ही देख ही सकते हो कि कितनी स्ट्रांग है। बाकी हम इसको खोल नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड हो गए ना, लंबे टेंशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको उसका अभी टॉर्क जो सिस्टम बताया था, ठीक है, सिर्फ 8 टॉर्क पे, जो 8 इसमें नंबर दे रखा है, सिर्फ 8 टॉर्क पे आपने मतलब यहाँ पर देखा कि 2 इंच का स्क्रू इसने बैठा दिया आसानी से, ठीक है, और उसे खोल भी दिया। आप इसी से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 18 तक टॉर्क है, तो ये कितना पावरफुल ड्रिल होगा। और इतने कम प्राइस में दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कंपनी में इस तरीके का ड्रिल मशीन नहीं है जितने का आपको फ्लिपकार्ट दे रहा है। मैं उनका कोई एक तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस प्राइस में मतलब ये बेस्ट ड्रिल है, आप बहुत अच्छे तरीके से ड्रिल को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ड्रिल मशीन का रिव्यू आपको कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अगर आप यह ड्रिल मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाके इसे बाय कर सकते हैं, और समय के अनुसार इसका प्राइस कम ज़्यादा भी होता रहता है।